नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जर्नलिज्म गाइड पर। और आज की इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो डीडी फ्रिडिज को लेकर ही करेंगे। सुबह से जो है ये परेशानी बनी हुई है डीडी फ्रिडिज के ग्राहकों के साथ ही करीबन 2 से 3 चैनल्स वाइकू मेटिन ग्रुप के बंद चल रहे हैं, या फिर हमारे लिए जो है अभी हाल ही में कलर्स रिश्ते चैनल को जो शुरू किया गया है तो वो कलर्स रिश्ते नहीं बल्कि रिश्ते में देखने को मिल रहा है। यानी कि जो पहले कभी रिश्ते चैनल चला करता था वो हमारे लिए डीडी फ्रिडिज में देखने को मिल रहा है। तो ये समस्या क्यों आ रही है, अगर आप देखें अभी ध्यान से और अपना कलर्स रिश्ते पर आप जाएंगे तो आपको कुछ इसी प्रकार की एडवर्टाइजमेंट ही नजर आएंगी। कभी आपको अल्ट्राटेक सीमेंट की एड नजर आएगी, तो कभी करीना कपूर जी के साथ जो है आपको सैफ अली खान जी नजर आएंगे लक्स का साबुन को ऐड करते हुए, या फिर आपको जो है स्लाइस की एड देखने को मिलेगी जिसमें जो हमारी कैटरीना कैफ है वो आम का जूस पी रही हैं। तो यही एडवर्टाइजमेंट जो है घूम फिर कर हमें बोर कर रही हैं और कोई भी प्रोग्राम देखने को नहीं मिल रहा। तो आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्यों प्रॉब्लम बनी हुई है? अगर हम बात करें बाकी चैनल्स की तो वो अभी भी ब्लैंक स्क्रीन में ही नजर आ रहे हैं, यानी कोई भी पिक्चर जो है वो वहां पर दिखाई नहीं दे रही है। अगर आप यहाँ पे देखें ध्यान से तो पीछे आप देख सकते हैं मेरे रिश्ते चैनल का लोगो आ रहा है और कलर रिश्ते का लोगो गैप हो रखा है। तो आखिर ये प्रॉब्लम क्या है, देखिए बताना चाहूंगा। ये प्रॉब्लम जो है वो वाइकू मेटिन के ब्रॉडकास्टर की सेंटर से आ रही है। जी हाँ, जहां से चैनल जो है अपलिंक होते हैं ना, जहां से चैनल को ब्रॉडकास्ट किया जाता है वहीं से प्रॉब्लम बनी हुई है। और ये जो है पावर फेलियर की वजह से प्रॉब्लम आई है। पावर फेलियर हो गया, वहां पर कोई ना कोई बिजली संकट गहरा गया उनके आप सिस्टम में, जिसकी वजह से जितने भी चैनल्स है वो लाइव नहीं हो पा रहे हैं। काफी चैनल्स में दिक्कतें आ रही हैं, सभी चैनल्स में नहीं आएंगी, कुछ कुछ चैनल्स में आएंगी। जैसे कि कलर्स हो गया, कलर सचटी हो गया, कुछ सीएनबीसी ग्रुप के चैनल्स हो गए जैसे कि सीएनबीसी आवाज, सीएनबीसी टीवी 18, कलर सिनेप्लेक्स हो गया, कलर सिनेप्लेक्स जो है बॉलीवुड हो गया, रिश्ते सिनेप्लेक्स हो गया, कलर्स रिश्ते हो गया। तो ये जो प्रॉब्लम है वो बैकग्राउंड की वजह से जो है, पीछे से जो है बैकग्राउंड की वजह से बनी हुई है। तो चिंता ना करें, अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन जो अभी आपको ये जो रिश्ते चैनल देखने को मिल रहा है कलर्स रिश्ते की जगह पर, ये बहुत ही पुरानी फीड है जिन्होंने फिलहाल आपको टेम्परेरी लगा दी है, यानी कि लोगों को लगे कि चैनल बरकरार है, बना हुआ है। तो ये दिक्कतें जो है वो पीछे से ही बनी हुई है, अपने आप ही जो है चैनल रिस्टोर हो जाएगा जब ये तकनीकी समस्या ठीक हो जाएगी। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपका चैनल रीब्रांड नहीं हुआ है और ना ही कुछ इसी प्रकार से आपको 24 घंटे एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा, ये प्रोग्राम्स भी दिखाएगा, लोगो भी वापस से कलर रिश्ते में तब्दील हो जाएगा। बस कुछ देरी का जो है आपको इंतजार करना होगा। ये टेक्निकल इशू चल रहा है, बहुत ही बड़ा टेक्निकल इशू आया पीछे से मुंबई में और उसकी वजह से जो है हमारा ये समस्या देखने को मिल रहा है। बाकी इसके अलावा मन में अभी भी कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कृपया करके हमारी वेबसाइट पर जो जाइए, वहां पर भी फॉलो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, वहां पर भी हम आपके लिए अच्छी अच्छी पोस्ट लेकर आते रहते हैं। सामने आपको मिल जाएगा लिंक और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। बाकी डीडी फ्रिडिज के चैनल लिस्ट देखना चाहते हैं कि कौन सी फ्रीक्वेंसीज में कौन कौन से चैनल देखने को मिल जाते हैं, टोटल डीडी फ्रिडिज में कितने चैनल देखने को मिल जाते हैं, तो उसकी लिस्ट का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको मिल जाएगा। नमस्कार।